चल रैलियों की प्रासंगिकता है ना। मोदी जी की रैली में चली जाती हमारी जान, यदि वे उतावले होते उनके कार्यकर्ता तो फिर हमारी सकल पहचान में नहीं आती। और यह चिल्ला चिल्ला करके कह रहा हूँ, डिजिटल इंडिया के युग में डिजिटल रैलियों की प्रासंगिकता है ना। लेकिन परमात्मा की विशेष कृपा थी, हमने प्रधानमंत्री जी की रैली में चढ़ करके एक रैली किया था उसी भीड़ में जिसे आप देख सकते हैं। जिस तरह से आम जन के मौलिक अधिकार का हनन इन रैलियों के माध्यम से हुआ है, मैं समझता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारा कोई इंटेंशन नहीं है, यह एक अपने फंडामेंटल ड्यूटी का पालन कर रहा है। और यह चिल्ला चिल्ला करके कह रहा हूं, डिजिटल इंडिया के युग में डिजिटल रैलियों की प्रासंगिकता है ना। या छोटे से लोग हमारा कोई यहाँ पहचान का नहीं है। उनकी रैली हो रही है, भाषण चल रहा है और हमने रैली किया, यह एक प्रकार का ऐसा जुनून था जिसे सकारात्मक भी कह सकते हैं, नकारात्मक भी कह सकते हैं, पागलपन का लक्षण भी कह सकते हैं, लेकिन हमने किया। 14 जुलाई 2018 को राजा तालाब में रैली थी, वाराणसी के राजा तालाब में। एक हेलीकॉप्टर आता है मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी का, दूसरा हेलीकॉप्टर आता है राम नाईक जी का जो उस समय गवर्नर थे उत्तर प्रदेश के, और तीसरा हेलीकॉप्टर आता है हुजूर का। उसके पहले वायुसेना का हेलीकॉप्टर घूम चुका था, तीनों सेनाएं तैयार थी। हमने कहा था बंद करिए डिजिटल रैलियां, देश की सेहत के लिए कदापि ठीक नहीं है, एक रैली में कम से कम 10 करोड़ रुपया लगता है और पूरे प्रदेश की पुलिस आती है, तीनों सेनाएं लगती हैं। मैंने लिखित भी दिया हुजूर को कि देश हित में खत्म कर दीजिए, आप अगर कर देंगे रैली तो अखिलेश यादव को लोग मना देंगे, सुश्री मायावती को मना देंगे, ममता बनर्जी को मना देंगे, कह देंगे हमारे प्रधान सेवक ने शुरुआत किया, बंद करो रैलियां। ये साहब हम जहाँ बैठ के कर रहे हैं तो हमको आप देख ही नहीं रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, सब लोग का मतलब जितना हमारा दायरा है, अब करिए ना। हमने कहा अगर रैलियां बंद हो जाएंगी तो देश का उद्धार हो जाएगा, बहुत गरीब देश है। प्रधानमंत्री जी का वीडियो लोग देखते और डिजिटल रैलियां होती, देश का नुकसान नहीं होता। आज नहीं कल श्याम बाबू होगा वह काम। बिल्कुल बिल्कुल सही है, लेकिन समय से तो कहना पड़ेगा। हम अगर लड़ते तो हम वही करते ना। हाँ। हम रैलियां करने वाले थे ही नहीं। हाँ। हम डिजिटल रैली करने वाले थे। मैंने पहले ही कहा था कि हम रैली कर ही नहीं सकते। हाँ। एक तो संसाधन और वो चीजें नहीं है, दूसरी हमारी सोच वो नहीं है कि भीड़ इकट्ठी करके उनको बोलो। हाँ। जो भीड़ पसीने से तर बतर है, भूख प्यास वहां पे ऐसे खड़े हुए हैं, उनको क्या समझाओगे आप? चंदा अगर ले रहे हो तो चंदा किसका पैसा है? जैसे कोविशील्ड से आपने 52 करोड़ लिया, जो इंजेक्शन कोचा गया हम लोगों को, जो लगाया गया उसी इंजेक्शन वा का पैसा लिया है आपने, कहाँ से आया है, किससे लिया है? आप कहेंगे मुफ्त वैक्सीन, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन, किसके दादा के घर से दे रहे हैं? आप तो फकीर है, कहाँ से ले आए हैं बताइए ना। आपके दादा के घर से कितना पैसा था? आपके घर का हो, चाहे राहुल बाबा के घर का हो, चाहे अखिलेश यादव के घर का हो, चाहे ममता बनर्जी के घर का हो, चाहे अरविंद केजरीवाल के घर का, किसके घर का है बताइए ना। टैक्स चापेंगे, नमक पर लेंगे, मसाला पर लेंगे, तेल पर लेंगे, पेट्रोल में लेंगे, डीजल में लेंगे, कोई सामान खरीदेंगे तब भी हम गाड़ी खरीद रहे हैं, फोर व्हीलर टू व्हीलर उसमें टैक्स लेंगे, फिर तेल में रोज रोज लेंगे, फिर टोल टैक्स लेंगे और जान मारेंगे रैलियां करके। मैंने कहा था रैलियां बंद करो, लेकिन हमारे एप्लीकेशन को इन्होंने खारिज कर दिया। पीएमओ पोर्टल पर हमने दिया था, उसकी कॉपी भी मैंने कई बार दिखाया है, फिर दिखा दूंगा, लेकिन हुजूर नहीं माने। पता नहीं क्या करेंगे देश का। एक बार फिर से रैली देखिए, सीडी से लेकर के और पर्दे लगवा दीजिए, लोग भोजन भी कर लेंगे, पेट्रोल और डीजल अपने देश में नहीं पैदा होता है, अपने देश में पेट्रोल और डीजल नहीं पैदा होता है, हजारों हजार गाड़ियां और प्रदेश के कोने कोने से पुलिस कर्मी, यह कौन सा विकास? आपके विकास पर हमें कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन यह काम आज के युग में इंग्लैंड अमेरिका और जापान में तो रैलियां नहीं होती, एक जगह से नेता बोलेगा और पूरा देश सुन लेता है। जिस रैली में वह भगवत कृपा है, नारायण की कृपा है, व्यक्ति नहीं कर सकता। 500 रुपया लेकर के, 500 रुपया देकर के लोगों को रैली में भेजा जा रहा है। अब आप कहेंगे आप आरोप लगा रहे हैं, हम आरोप लगा रहे हैं, और अगर अकड़ेंगे ना तो उन लोगों का परेड करा दूंगा मैं, जिनको 500-500 रुपया दिया गया है। किसने दिया है रैली में 500-500 रुपया? विद्यालय बंद किए जा रहे हैं, पहले रैलियां होती थी उसको बता रहा हूं, जो पुराने लोग होंगे वो इस बात को समझ जाएंगे, कहेंगे बिल्कुल ठीक करें। जिस पार्टी की सरकार होती थी उस पार्टी के लिए
दरोगा जी और पुलिस कप्तान यह लोग और तथा आरटीओ यह लोग बसों का इंतजाम करते थे, बसों को पकड़ते थे, ट्रकों को पकड़ते थे और उसी में रैलियों के लिए कार्यकर्ता जाते थे। फिर बसें खाली, कहें भैया आज बस ना दिखाई देती है, करे रैली ना परसों बसवा कुल पकड़ल जाती, तो बसवा बस लेकर के भाग जाते थे सब, सड़क पर बसें दिखाई नहीं देती थी। और आज उसका स्वरूप बदल गया है, अब बसों से लोग कम जाते हैं, अब स्कूल वाली बसें लगती। किसी रैली में चले जाइए, देख लीजिए ना, नामी गिरामी विद्यालयों के इस की बसें वहाँ लगी हुई हैं, विद्यालय बंद हो जाता है। बनारस में मैं कह रहा हूँ, तमाम जो बड़े बड़े शिक्षण संस्थान हैं रैलियों के दिन बंद रहते हैं, जब हुजूर की रैली होगी तो बंद रहेंगे, बसें लग जाएंगी, आंगनबाड़ी लगेंगी, आशा कार्यकर्ता लगेंगी, शिक्षक लगेंगे, शिक्षा मित्र लगेंगे, सबको लगा दिया जाएगा, रैली का इंतजाम करेंगे। दिया जलाना है ना, अगर रिकॉर्ड कायम करना है गंगा जी के किनारे, तो सारे शिक्षक लग जाएंगे और बीएसएस आप कहेगा कि इतना दिया जलाना है, तो भैया यह देश का जो दैदीप्यमान दीपक है उसको बुझा करके आप इस तरह का घटिया काम न करिए। लेकिन मानेंगे नहीं लोग, देश का नाश करके ही दम लेंगे। अब आप बताइए ना, हेलीकॉप्टर का कितना, पेट्रोल डीजल का दहन होगा, फिर 500 रुपये की अभी जो भी इधर की रैलियाँ हुई हैं आजमगढ़, गाजीपुर, जो अगल बगल के जनपदों में 500 रुपया जहाँ भी जैसी स्थिति हो सब प्रत्याशी पर ही जाएगा, प्रत्याशी अपना व्यवस्था करेगा, क्योंकि रैली में साहब को बताना है, भाइयों बहनों 80 करोड़ जनता को। लेकिन आप हकीकत जान लेंगे ना, जानते भी होंगे, ऐसा नहीं है, महातत्वज्ञानी हैं, सब जानते होंगे। अब फिर कहा विपक्ष की रैली पर, विपक्ष की रैली पर मैं सवाल इसलिए खड़ा नहीं करता कि वो लोग स्वतः प्रेरणा से आ रहे हैं, उनको भी मैं मना कर रहा हूँ, अपने मुखिया को भी मना करें, रैली बंद करिए, एक जगह से बोलिए और कोई बता दीजिए कि इस चैनल पर आएगा और हम आपको देख लेंगे, काहे को आ रहे हो। कल भी हमने देखा प्रियंका और इनके डिंपल यादव की रैली में, कल भी देखा ऐसे ही, पानी नहीं मिल रहा है, 45 डिग्री सेल्सियस तापमान है, भीड़े जा रहे हैं, चापे जा रहे हैं, लेकिन प्रियंका और डिंपल यादव को अस्सी तथा वरुणा नदी नहीं दिखी, हाथ हिलाते हुए चली गई भाजते हुए। तो प्रधान सेवक अभी भी समय है, प्रकृति माफ नहीं करेगी, अभी भी डिजिटल रैलियों की शुरुआत कर दीजिए, पता नहीं परिणाम 4 जून को क्या आएगा, फिर विधानसभा के चुनाव आएंगे, आज नहीं कल यह काम तो होगा ही, लेकिन समय से इसे शुरू कर देना चाहिए। अब जहां तक सवाल है, 500 रुपया देकर के आप कहेंगे कम से कम इसी बहाने मिल तो रहा है, 500 रुपया मिल रहा है, बेचारे जाएंगे रैली में भाषण सुन करके आएंगे, उन्हें कुछ पता नहीं है, 500 रुपये के लिए टुकुर टुकुर देख रहे हैं। और हुजूर ने कहा कि रैलियों में जिन लोगों को ले आया जा रहा है वह पैसा नहीं मिल रहा है तो मंच तक चढ़ जा रहे हैं, ये हुजूर ने बोला था, ये हुजूर आपकी पार्टी में तो सबसे अधिक है, यह लोग भी कर रहे होंगे मुझे, मैं दावे के साथ, लेकिन इनके लोग ऐसे हैं बहुजन समाज पार्टी के और इनके लोग, कि जो भी बस वस मिल जाएगी चल देंगे लोग, और नहीं मिलेगी तो सफाई अपना लेगा, लठ उठाएगा और चल देगा देखने के लिए। अभी तक उनको भी मैं मना कर रहा हूँ, बहुजन समाज पार्टी के लोगों को भी मना कर रहा हूँ और इन लोगों को भी मना कर रहा हूँ, सर्वाधिक बुद्धिजीवियों की संख्या इसमें है जो स्वतः स्फूर्त आए हैं। पहले एक गाँव में, दो गांवों में एक आध कार्यकर्ता होते थे भाजपा के, जहां रस दाना मिल जाता था जाने पर, जब कार्यकर्ता भूखो रहते थे तो कहते थे भैया चलिए फलाना के घर मिलेगा, रामकिरीट चौहान के घर मिलेगा रस दाना, कृष्णानंद सिंह, यह हमारा जो कि जीवन रहा इसलिए बता रहा हूँ, उनके घर रस पानी कुछ मिलेगा, रस पीते थे, दही वही अगर डाल दिया गया दूध वूध तो मजा आ गया, रस पीते थे, इतना लाई चना दाना आता था, वो लोग रखते थे बुनवा करके, सत्तू मिल जाता था, ऐसे होता था, चलिए भैया उनके घर चलिए, तो ऐसे ही होता था। अब तो मान लीजिए स्वतः स्फूर्त कार्यकर्ता हो गए, सनातन चढ़ गया, हिंदुत्व चढ़ गया, और हिंदुत्व सनातन पर अब उसी पर वोट मांगना है, अपने कामों पर वोट नहीं मांगना है, सनातन पर। अब एक दिन तो हुजूर कह रहे थे, उसको बता दूंगा, तो सभी का यही हाल है। हमने डिंपल और प्रियंका को भी, उनकी भी ऐसी की तैसी किया, अजय राय की ऐसी तैसी किया, क्योंकि इनको यह दिखता नहीं, अगर सत्ता मदांध है तो विपक्ष का भी धर्म है कि उस मामले को तबीयत से जनतांत्रिक तरीके से ललकारे। फिलहाल रैलियों में जाने की कीमत 501,000, जैसी भी स्थिति हो, खाली है तो कुछ चले जाएंगे, दाना पानी मिलेगा, यह हाँ भी बता रहे हैं।
कि आप कहेंगे कि भैया कौन सा नुकसान हो गया, चले गए 500 रुपया मिला। यह चोर बनाने की जो प्रवृत्ति है, यह आपको क्या पता कि उनकी आने वाली अगली पीढ़ियां भी इसी तरह से चोर बनने की प्रवृत्ति होगी, और यह होगा टुकुर टुकुर, देखेंगे कि रैली कोई होगी तो 500 रुपया मिलेगा। अरे भैया 500 पहले मिलता था, अब तो 1000 चाहिए, ऐसे ही है। तो इस तरह से लोग चोर बनेंगे, उनकी आदत खराब होगी। काम चोर तो हो ही रहे हैं, लेकिन ऐसे चोर बनेंगे। दोस्तों मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, और आज फिर से कह रहा हूं कि बंद करो ऐसी रैलियां, बंद करो रोड शो। तुम्हें क्या पता कि कितना नुकसान होता है मरीजों को, कितना नुकसान होता है लोगों को आने जाने में, कितना नुकसान होता है गर्मियों में, लोग मर जाते हैं हॉस्पिटल में मरीजों को, लेकिन आपको इसका ज्ञान नहीं है। चलिए जो कर रहे हैं, सबको अपने अपने कर्मों का दंड भोगना पड़ेगा। दोस्तों मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, आदरपूर्वक सभी आत्मीय दोस्तों को अपना प्रणाम संप्रेषित कर रहा हूं। नमस्कार।